कोफिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस, कोफिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के अंदर फॉर एन आइडल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हमें गैस को गर्म करेंगे, हमें गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड। तो गैस का वॉल्यूम जब एक्सपैंड होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम, इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस का गामा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इक्वेशन पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करो टी का डेल्टा टी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वी से डेल्टा वी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2/1, तो एन आर पी वी कैंसिल, ये आंसर आ गया। ये रहा, यहाँ से काम करो डेल्टा टी को इसके नीचे ले आओ, तो ये इक्वेशन आ गई। साइड पे लिख लो ऐसे, हमें वी डैश का फॉर्मूला क्या याद किया था, वी 1+γ इंटू डेल्टा टी, वी प्लस डेल्टा टी, वी डैश माइनस वी, ये लो डेल्टा टी, तो ये क्या है डेल्टा वी, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या, गामा। ठीक लिख रहा हूँ ना, तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था, इस फॉर्मूले से ये ओपन किया, इसको डेल्टा वी पुट किया और ये रिलेशन आया, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इसकी जगह गामा, गामा इज इक्वल टू 1/T। तो ये प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने इसको गामा क्यों लिखा, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें गामा ही निकालना था, तो किसी भी गैस का जो गामा होता है वो क्या होता है, उसका 1/टेम्परेचर के इक्वल होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, प्रूफ करने को भी आ सकता है।